बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि आम आदमी पर महंगाई की मार है कि कम होने का नाम नहीं ले रही। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी होने के बाद अब सीएनजी और पीएनजी गैस के दामों में इजाफा हुआ है। घरेलू पीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति एसीएम की वृद्धि की गई। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें पूरे देश में नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में ही लागू होंगी। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो आपको बता दें कि घरेलू पीएनजी गैस की कीमत में गुरुवार से इजाफा करने का फैसला लिया गया। बढ़ोतरी के साथ नई कीमत अब 36 रुपए 61 पैसे प्रति एससीएम हो गई है। तो वही इसके अलावा सीएनजी के दामों में भी 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ती महंगाई सहित पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ बुधवार को भारतीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया था। वहीं आपको बता दें कि दरों में संशोधन के करीब 4.5 महीने बाद एक बार फिर लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में बुधवार को 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। तो वहीं आज पीएनजी घरेलू पीएनजी की कीमत में 1 रुपए प्रति एससीएम की वृद्धि की गई है। इस बढ़ोतरी के साथ नई कीमत 36 रुपए 61 पैसे प्रति एससीएम हो गई है। इसके अलावा सीएनजी के दामों में भी 50 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि ये बढ़ी हुई कीमतें दिल्ली और उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में लागू होंगी। And PNG rates hiked. The Auto Drivers Association has threatened to go on strike if the decision isn't. तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवन संवाददाता ज्योति सिंह फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी ज्योति, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी पेट्रोल डीजल और घरेलू गैस के दामों ने आम आदमी की कमर पर असर डाला है, तो वहीं अब सीएनजी और पीएनजी को भी महंगा कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल उमंग, देखिए जिस तरीके से पूरा विपक्ष की अगर हम पहले बात करते हैं तो जिस तरीके से विपक्ष आवाज उठा रहा था कि जैसे ही 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होंगे वैसे ही महंगाई की मार फिर दोबारा पड़ने लग जाएगी, और देखिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जैसे ही रिजल्ट अनाउंस हुए उसके कुछ दिन बाद ही पेट्रोल डीजल के पहले 2 दिन तक लगातार उनपे दाम बढ़ाए जाते हैं, और फिर उसके बाद आम आदमी की फिर से कमर तोड़ने की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दी गई है। और देखिए एक तरफ पेट्रोल डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए, और अब घरेलू पीएनजी पर भी 1 रुपए से ज्यादा जो है उस पे पैसे बढ़ा दिए गए हैं। और देखिए फिर वही बात करें तो कीमत पूरे देश में नहीं बल्कि दिल्ली और यूपी के गौतम बुद्ध नगर में लागू होगी, और इसके अलावा राजधानी दिल्ली में सीएनजी की बात करें तो 50 पैसे की बढ़ोतरी कर दी गई है। देखिए इतना सब कुछ होने के बाद लगातार लोगों के लिए मुश्किलों का सामना करना काफी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लगातार दिल्ली और यूपी के लिए खासतौर पे जब ये दाम बढ़ाए गए हैं तो लोगों को अब ऐसा लगने लग गया है कि महंगाई की मार इतनी होने लग गई है और सीधा रसोई पे असर करता है, फिर चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े या फिर एलपीजी गैस के दाम बढ़े। देखिए सीएनजी पीएनजी गैस के बढ़े हुए दामों को 24 मार्च से लागू होंगे, और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर में 24 मार्च से घरेलू पीएनजी के दाम 1 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है, और वहीं पीएनजी की कीमतों में इजाफा होने के बाद अब दिल्ली में पीएनजी गैस 36 रुपए 61 पैसे मिलेगी और बढ़कर अब 37 रुपए 61 पैसे हो गई, लेकिन 36 से 37 रुपए हो गई है। और देखिए वही एससीएम हो गई, और वही गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो पीएनजी गैस अब 35 रुपए 86 रुपए प्रति एससीएम चुकाने होंगे वहां के लोगों को। तो देखिए लगातार रेट जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, सीएनजी में भी अब रेट बढ़ गया है, तो उमंग कुल मिलाकर इस बार का जो ये रेट बढ़े हैं तो दिल्ली और यूपी वालों की गौतम बुद्ध नगर के जो लोग हैं उनके लिए मुश्किलों का ये वक्त होगा जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल ज्योति, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।